ये देखिए, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और ये कितनी खूबसूरत बिल्डिंग लग रही है बाहर से, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाएंगे 150 के करीब बच्चे हैं यहाँ पे 11th और 12th के। वैसे पूरा स्कूल के अंदर जो है कोई 1130 के करीब बच्चे हैं एनरोल्ड है। जैसे ही अंदर जाएंगे आप देखेंगे कि पंखा नहीं है, बिजली के कनेक्शन नहीं है, है? सफाई नहीं है, डेस्क टूटे हुए डेस्क, जिसे देख के शर्म आ जाएगी, उस पे लड़के और लड़कियां जो है ना बैठी हुई है यहाँ पर है? क्या हमारा बिहार सरकार क्या बिल्कुल गूंगी पैरी होके देख रही है क्या है? जुलाई से 15 जुलाई से ये बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर और इनको आज तक जो है पंखा तक नहीं मिला है। और लड़कियां बता रही हैं कि 40 लड़कियां एनरोल्ड हैं, उसमें से 6 या 7 बच्चे आए हैं, बाकी इसलिए भी नहीं आए हैं क्योंकि वो यहाँ पे इतनी गर्मी है कि वो बैठ नहीं पाते है? कुछ तो करना चाहिए, नेशनल शेम है ये, नेशनल शेम है।